स्वामी जी आएंगे, आप लोग को जो भी मतलब पूछना होगा पूछिएगा। और पूछिएगा। तो वहाँ पर सब आए, शाम का समय था, यही समय था जो समय भी है। तो उनमें से एक ने पूछा कि मानव धर्म के विषय में आप क्या कहते हैं। हम लोग तो समझते हैं कि मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत से बढ़कर और कोई धर्म नहीं होता। हाँ, सब धर्म को छोड़ दिया जाए, इंसानियत को अपनाया जाए तो इससे सबका भला हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इसको बहुत संकीर्ण दृष्टि मानता हूँ। अगर आप मानव धर्म को श्रेष्ठ धर्म मानेंगे तो ये बहुत ही विपत्ति वाली स्थिति हो जाएगी। तब आपको यह बताना पड़ेगा कि मानव जब नहीं जन्मा था, मानव की उत्पत्ति तो हाल फिलहाल की उत्पत्ति है, तब कौन सा धर्म काम कर रहा था, और जहाँ मानव नहीं है वहाँ कौन सा धर्म काम कर रहा है। करोड़ों प्रकार के प्राणी हैं, उसमें से एक प्रकार का प्राणी है मानव। मानव को आपने बहुत लंबा चौड़ा बना रखा है, उतना लंबा चौड़ा मानव है नहीं। हाँ, करोड़ों प्रकार के प्राणियों में से एक प्राणी है, तो उसकी हैसियत कितनी है। इतना अनंत ब्रह्मांड है, उसमें मानव की कितनी औकात है, इस पृथ्वी की कौन औकात है उसमें। तो मानव को, मानव धर्म को आप लोगों ने इतना लंबा चौड़ा बना रखा है, जब आपके पृथ्वी की हैसियत जो है बिंदु से भी नीचे है, तो मानव की हैसियत क्या है। पृथ्वी में मानव की हैसियत कुछ नहीं है। तो आप लोग इंसानियत, इंसानियत की क्या बात बोलते हैं। इंसानियत को आप लोग बहुत बड़ा धर्म मानते हैं, मैं तो समझता हूँ सबसे तुच्छ धर्म है यह। जब मानव नहीं रहेगा तब कौन सा धर्म रहेगा, आप बताइए। सूरज पर कौन धर्म है, बताइए। चांद किस धर्म से काम कर रहा है, नक्षत्र किस ग्रह धर्म से काम कर रहा है, अणु परमाणु किस धर्म से काम कर रहे हैं। कोई ना कोई संविधान नियम उसमें लागू है ना, अणु परमाणु में। तो कहे कि तब फिर आपके हिसाब से कौन सा धर्म होना चाहिए। उन लोगों को समझ में आ गया इस बात को। हाँ, मैंने कहा इंसानियत कोई अच्छा धर्म नहीं है, ये सब कुछ जो है चंद जो ये कम्युनिस्ट माइंडेड लोग जो हैं उसी की आड़ में नाना प्रकार उन लोग की आड़ में ही ये उपद्रव कर रहे हैं। मानव धर्म तो वाहियात धर्म है, मानव धर्म कोई धर्म नहीं है। इंसानियत का धर्म है, भीड़ जुटा करके वहाँ इंसानियत दिखाओ और उनको बेवकूफ बनाओ, उनसे वोट लेना है। वोट लेने का ये मामला है, ये खिलवाड़ करने का मामला है। मैंने कहा ये कोई धर्म नहीं है, ये सब बहुत फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा करने का ये तरीका है। तो अब कौन सा धर्म, आप कौन सा धर्म मानते हैं। मैंने कहा मैं सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म मानता हूँ, और उसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं, तो मानने का क्या मतलब है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है, बाकी सब जो है एक मजहब, एक पंथ, एक संप्रदाय है। क्योंकि सनातन धर्म जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों के बारे में भी चर्चा करता है, और बड़े से बड़े को भी उसमें शामिल करता है धर्म में, पूरे ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांड को शामिल करता है, और अति सूक्ष्मता में सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु से भी सूक्ष्म जो हो सकता है उसको भी शामिल करता है, और सभी प्राणियों को शामिल करता है। आप लोग जब सिर्फ मानव मानव करेंगे, इसका मतलब जो गैर मानव उसके विरोधी हो गए आप लोग। तो गैर मानव को जो है आप पशु पक्षियों को इसलिए मारेंगे, काटेंगे, क्योंकि वो मानव तो है नहीं। तो आप लोग तो मानव धर्म की बात करते हैं, तो प्राणियों को, अन्य प्राणियों को आप लोग नुकसान पहुंचाएंगे, और यही हो रहा है। जिन लोगों ने भी मानवता की बात की है, इंसानियत की बात की है, वे लोग अन्य प्राणियों को बहुत कष्ट देते हैं, हो ही रहा है। वे पेड़ पौधों को मारेंगे, पशु पक्षियों को मारेंगे, काटेंगे, खाएंगे। हाँ, इंसान आज इतना स्वार्थी हो गया है कि जिस गाय को दूध रहा है, आज दूध जब तक दे रही है उसको, आज कल बिना दूध की हो जा रही है उसको तुरंत बहला दे रहा है। हाँ, वही क्रिया अगर इंसानों पर भी लागू हो जाती है तो यही धर्म है हमारा। मुर्गे की टांग काट रहे, तुम्हारी टांग काट के कोई खाएगा तुमको कैसा लगेगा। हाँ, तुम्हारे टांग काट करके कोई खाया कि बहुत स्वादिष्ट है ये, तब तुम कैसा लगेगा, तब तुम मानवाधिकार की बात करोगे। तो पक्षियों का, पशुओं का, उन लोगों का, प्राणियों का अधिकार नहीं है। तुम सिर्फ शक्तिशाली थोड़ा सा हो गए, इसका मतलब तुम सब पर जुल्म ढाओगे, ये कौन सा धर्म है।
मैंने कहा सिर्फ सनातन धर्म है सही और बाकी सब धर्म फर्जी है। सनातन जी तरी हम उनके बताई सनातन हम तो कोनो बात का सनातन करेंगे हम तो जान लीजिए कि सना हुआ तन है। सनातन का अर्थ होता है कि जो सदा था सदा है और सदा रहेगा यानी शाश्वत है वह सदा था सदा है और सदा रहेगा वो सनातन है काल के संदर्भ में। सब था सब है और सब रहेगा रहेगा हाँ जितने हैं ये सब रहेंगे कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं रहेगा उनके रूप भले बदल जाएंगे जो तन है सब रहेंगे हमेशा वो सब रहेगा यानी जितनी भी चीजें हैं वो सभी थी पहले भी आज भी हैं और आगे भी रहेंगी वो उनका रूप भले बदलता रहेगा लेकिन वो रहेंगी ठीक है। और यह जो है इसका ये काल की अवधि में भी है और विस्तार में भी जितनी भी चीज़ें हैं अस्तित्व में ये सब उसके तहत हैं ये सनातन है यानी शाश्वत होना चाहिए सर्वव्यापी होना चाहिए सब होना चाहिए और उसका कोई सीमा रेखा नहीं होनी चाहिए न काल के संदर्भ में सीमा होनी चाहिए न फैलाव के संदर्भ में सीमा होनी चाहिए हाँ फैलाव के संदर्भ में भी सीमा नहीं होनी चाहिए न संख्या में सीमा होनी चाहिए। जैसे मानव धर्म में संख्या में सीमा हो गई सिर्फ एक मानव शामिल हो गया बाकी अन्य प्राणी इसमें शामिल नहीं हो पाए लेकिन सनातन धर्म में सारे प्राणी शामिल हो जाएंगे और तो और जो गैर प्राणी हैं जो निर्जीव भी तत्व हैं ये भी शामिल हो जाएंगे कोई ऐसी चीज ही बाकी नहीं रहेगी जो कि शामिल नहीं होगी इसलिए सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है। और सबके साथ जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा सबके साथ जो है समानता का ही व्यवहार होगा सनातन में। यह नहीं है कि आपके जान की ज़्यादा कीमत है और कौवे की जान की कीमत कम है ऐसा नहीं होगा। ये सब इतने इतने संप्रदाय चल करके और इतने ये सब राजनीतिक संप्रदाय हैं ये जितने संप्रदाय चले हैं ये राजनीति के तहत चले हैं और अहंकार के तहत चले हैं और लोभ के तहत चले हैं कि हम भी एक जो है गुट बना लें इसी आधार पर चले हैं कि एक गुट हमारे भी हो जाए और उसके आधार पर जो है हम ये लोगों को सताएं और शोषण करें अत्याचार करें और ये सब करें लोगों को इतना मतलब कि ये विरोध आपस में ही और नाना प्रकार के मत मतांतर होने की वजह से जो है आम जन जो है धर्म की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहा है। धर्म की परिभाषा सब भूल भाल गए सब भूल भाल गए धर्म की परिभाषा असली परिभाषा कहाँ खो गई पता नहीं। अब ये तो अब झूठा मूठा ये सब मेढक वाला धर्म बना लिए हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है ये सब बकवास सुना रहे हैं मानवता धर्म है मानव धर्म चला रहा है कोई दानव धर्म चला रहा है कोई इस तरह से धर्म चला रहे हैं सब एक एक फिर एक एक मानवों में भी एक एक जाति पर चलाने लगेंगे इनका क्या इनका क्या करना है हाँ एक एक ग्रुप पर चलाने लगेंगे ये सबसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना ये उन लोगों की करतूत है ये मानव धर्म जो बुद्धिजीवी है जो जीते हैं बुद्धि के आधार पर कैसे लोगों को ठगा जाए धोखा दिया जाए बहकाया जाए उसके आधार पर। एक एक जगह मैं गया था एक कॉलेज है डिग्री कॉलेज बीएड वगैरह की पढ़ाई होती है तो वहाँ पर एक कार्यक्रम था तो वहाँ भी एक इसी तरह से वहाँ का वो था लेक्चरर था और संचालक था वो बोलना शुरू कर दिया मानव धर्म पर वही बात हाँ कि हम लोग को हिंदू धर्म इस्लाम धर्म ईसाई धर्म ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए धर्म तो सबसे सही मानव धर्म ही है हाँ। और वहाँ पर जो है एक सुरेंद्र यादव जी हैं वो हिंदू युवा वाहिनी के कोई पदाधिकारी हैं तो वो एक कार्यक्रम वहाँ उस कॉलेज में कर रहे थे वही कार्यक्रम वो रखे थे और उन्होंने बिना उसको समझे हुए उस व्यक्ति को कि ये किस मत का आदमी है उसको संचालन की भूमिका सौंप दी और मुख्य अतिथि में था वहाँ पर तो वो इस तरह से पूरा अब इन लोगों के प्रोग्राम का ही खंडन शुरू कर दिया वो इन लोगों का प्रोग्राम का खंडन शुरू कर दिया इन लोगों का संचालन हाँ जो कि बिना उसको सोचे समझे लोगों ने संचालन की भूमिका दे दी थी सिर्फ इसलिए कि वो बड़बड़ बोलता था बोलने में फराटेदार से दे दिया वो लगा इन लोगों का खंडन करने कि ये है मानव धर्म होना चाहिए सब धर्म ये सब आपस में लड़ाते हैं ऐसे वैसे इस तरह की बात इंसानियत ही मुख्य धर्म है ये सब धर्म को छोड़ करके इसको अपनाना चाहिए इस तरह की बातें वो कर रहा था हम लोग को गीता कुरान और इसके वेद के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए
बाइबल वाइबल के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरह की बातें वो बोलना शुरू कर दिया। अब ये तो गए थे वहाँ पर प्रचार करने हिंदू धर्म का और वहाँ सुनना पड़ रहा है ये सब, तो अभी तो बेचारा बाप परेशान हो गया, इनका तो पसीना टपकने लगा। हाँ, एक आया उसमें से, एक यहाँ पर हैं विश्वकर्मा जी, तो नंदगंज के पास, तो वो मेरे पास आए, कहे महाराज जी कान में फुसक करके कि महाराज जी ये तो हम लोग का सब सब किया धरा व्यर्थ कर दिया, बताइए इतना इतना हम लोग आयोजन के लिए इतना इतना पैसा जुटाए, इतना तो सब कुछ किए, आदमी जुटाए और देखिए ऐसे कर दिया। तो मैंने कहा कि आप लोग को सोच समझ करके ना संचालक देना चाहिए था, संचालन की मुख्य भूमिका ना होती है, आपने बिना उसकी विचारधारा को जाने कैसे दे दिया। खैर आप लोगों ने दे दिया तो दे दिया है, बोल लेने दीजिए, अभी मैं हूँ ना, लास्ट में मुझे ही ना बोलना है। मैंने कहा उसको बोल लेने दीजिए, जितनी उसकी हैसियत है बोल लेगा, उसके बाद फिर मैं निपट लूँगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप जाइए। बोल दिया उसने, ठीक है किया है, हाँ, ताकि इनकी भी गर्मी शांत हो जाएगी, आप बैठिए चुपचाप। ओह, फिर वो तो थोड़ा आश्वस्त हुआ, परेशान जो इतना हो गया था ना, आश्वस्त हुआ, जा करके सुरेंद्र जी को बोला कि महाराज जी से बात हो गई है, वो कहे कि अच्छा हम जो है संभाल लेंगे, लो चिंता मत कीजिए। तो फिर लास्ट में जब मेरी बारी आई, वो तो ये भी कहने लगा कि जो है जैन धर्म बहुत पुराना है, हाँ, और हिंदू हाँ हिंदू धर्म तो अभी का है, इस तरह से वो बोलने लगा। तो मैंने कहा कि अच्छा, इसका मतलब इसका इतिहास बोध भी नहीं है क्या। तो फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने जो है शुरू कर दिया उन्हीं का खंडन, मुख्य भूमिका में जब हमारी आई तो मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ये लेक्चरर है यहाँ का, इनको इतिहास बोध भी नहीं है, और उसमें भी हिस्ट्री के टीचर हैं, अपने को कह रहे हैं, इनको यही नहीं पता है कि जो है जैन धर्म कब से है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे ना ऋषभदेव थे, और ऋषभदेव जो हैं वो भगवान राम के वंशज हैं, और ये सब सब जो है त्रेता युग के थे, और इनसे बहुत पहले सतयुग के, और उनसे उनसे बहुत पहले पहले बहुत सारे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि जैन धर्म सबसे पुराना है। इनको यही नहीं पता है कि वेद से पुराना कोई ग्रंथ नहीं मिला है। और महावीर जो है अंतिम तीर्थंकर हैं, और जो ये बुद्ध की बात बता रहे थे, मैंने कहा कि बुद्ध के माता पिता किस धर्म को मानते थे, इनको पता है? उनके नाम से आपको पता लगा लेना चाहिए कि वे किस धर्म को मानते रहे होंगे। बुद्ध के माता पिता तो मैंने कहा कि ये जो कहते हैं कि कुरान को और गीता को और इसको छोड़ देना चाहिए, मैंने कहा नहीं, कुरान को छोड़ देना चाहिए वो तो ठीक बात है, बाइबल को छोड़ देना चाहिए वो भी ठीक बात है, लेकिन गीता को छोड़ देना चाहिए ठीक बात नहीं है। आपने किस आधार पर कहा दिया कि गीता को छोड़ देना चाहिए? गीता आपने पढ़ी है कभी? गीता आपने जब पढ़ी नहीं तो कैसे आप कह सकते हैं छोड़ देना चाहिए? उसमें से कोई भी एक भी श्लोक बताइए जो गलत है, क्यों छोड़ दिया जाएगा? हिंदुओं के ग्रंथों को क्यों छोड़ दिया जाएगा? आप वेद में कोई गलती बताइए, उपनिषद में कोई गलती बताइए। यहाँ तो सनातन धर्म की परंपरा है, और इस सनातन धर्म की परंपरा आपके जो इंसानियत वाला जो धर्म है ना, बेकार का धर्म, छोटा सा जो सिर्फ एक संख्या पर निर्भर है, एक आदमी की संख्या पर निर्भर है, जो सिर्फ मानव जाति के लिए है, वह ऊंचा धर्म नहीं है जो आप समझते हैं ऊंचा। आपने एक सिनेमा देख लिया सलमान खान का, मानव धर्म की बात बतियाने लगे, और ऐसे ऐसे जो है हल्के फुल्के जो तथाकथित संत हैं जो मानव धर्म एक चला रहे हैं एक संस्था के रूप में, आप उसके भ्रम में आ गए। अन्य प्राणियों के लिए आपका कौन सा धर्म होगा बताइए तो जरा? कौए पर क्या आप मानव धर्म लागू करेंगे? जोंक के ऊपर आप मानव धर्म लागू करेंगे? बैक्टीरिया के ऊपर आप मानव धर्म लागू करेंगे? कौन सा धर्म लागू करेंगे आप बताइए? वायरस पर आप कौन सा धर्म लागू करेंगे? आपको तो कुछ बोध ही नहीं है। वृक्ष के ऊपर कौन सा धर्म मानव धर्म आपका लागू होगा जरा बताएं? आपसे वो है कि उससे आप हैं? वृक्ष नहीं रहेगा, वनस्पतियां नहीं रहेंगी, तो आपका अस्तित्व नहीं रहेगा हमारे धर्म में। तो आपका धर्म उस पर कहां से लागू हो रहा है? मानव का कल्याण हो नहीं, विश्व प्राणियों में प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण हो। यहाँ तो विश्व कल्याण की बात की है, हमारे धर्म का पूरे अस्तित्व की बात की जाती है। प्राणी में सारा संसार जीव चराचर सब आ गए, सारे आ गए, कोई भी बाकी नहीं रह जाएगा। हाँ,
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उपनिषद कहते हैं ये पूरा अस्तित्व जो है ये अनंत है, और यह जो है ये ज्ञान स्वरूप है, और यही सत्य है। तो यह जो अनंत अस्तित्व है, इस अनंत अस्तित्व को जिसने जो कि बतलाता है, इस अनंत अस्तित्व के जो सिद्धांतों को बतलाता है वह सनातन धर्म है। और आप कह रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, तो आपके मानव धर्म को अपना लें, जब मानव खत्म हो जाएगा तब फिर कौन सा धर्म रहेगा, जरा बताओ जरा। मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे को समझे हुए हो क्या, ट्यूशन पढ़ा रहे हो तुम? मतलब जी सनातन धर्म केहू का बतिया पाई धर्म जी कोई नहीं, कोई ना तुम धर्म पढ़े, ना इतिहास पढ़े, ना कुछ पढ़े, ना विज्ञान पढ़े, और तुम बोलना शुरू कर दिए। जो बीच में आ गए, ज्यादा लंबे लंबे बोलने से होता है। अगर इसका रखवाला करने वाला कोई इसका इसकी जानकारी जानकार जो खुद ना जान पोलो सुखाए के बचा पाए सनातन धर्म के इकुल है मेरे तोड़ मड़ोड़ के इकुल निकाल के ऐसे आदमी में घृणा उत्पन्न करके कुल ऐसे असंतुष्ट हो गए ना, ऐसे कुल बिल का धर्म बनाओगी ना, ना समझी से ऐसे जो है ना समझ लोग हैं जो कहता है कि हम जो है लेक्चरर हैं रीडर हैं और ऐसे ऐसे ना समझ है। सिर्फ माइक मिल गया तो हाथ में तो जो मन सो बोल दोगे, सोच समझ के ना जानकारी रहेगी तब ना बोलोगे। और क्या, आप माइक देने का मतलब है कि आपके सभा के प्रति आपकी जिम्मेवारी होती है, और जब जिम्मेवारी आपकी है तो आप तथ्यात्मक बात बोलेंगे, आप वही बात बोलेंगे जो प्रमाणित बात हो, आपने उसका अध्ययन किया हो। जब आपने अध्ययन ही नहीं किया तो आप उसके उस विषय में बोल दिए, आपको गीता का एक श्लोक नहीं मालूम और आपने कह दिया गीता को छोड़ दो। अरे ऐसे ये सब जो समाजवादी टाइप के लोग हैं, जो कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं, वे लोग इस तरह की बकवास की बात करते हैं, जिनको कि गीता का अर्थ भी नहीं पता और कह रहे हैं गीता छोड़ दो। मैंने कहा गीता का अर्थ बताइए आप क्या है। गीता का अर्थ भी नहीं मालूम कि गीता किसको कहते हैं और कह रहे गीता छोड़ दो। तो कुछ उसमें तुम जानते नहीं, ए बी सी डी नहीं जानते, संस्कृत का तुमको ए बी सी डी नहीं मालूम और कह रहे छोड़ दो। आज तक से गीता को कह दिया छोड़ दो, गीता आज जब से गाई। मैंने कहा कि मैंने बाइबल पढ़ी है और इसलिए मैं कह रहा हूँ बाइबल छोड़ दो, और मैंने कुरान भी पढ़ी है इसलिए मैं कह रहा हूँ कुरान छोड़ दो। अब उस पर बाइबल और कुरान पर बहस करनी है तो आकर बैठ के बहस करो, और मैंने गीता भी पढ़ी है, गीता में मैंने पाया गीता सही है, तो क्यों छोड़ दें सही चीज़ को? सिनेमा वाले दिखाएंगे तब, सिनेमा वाले क्या है, वे सब तो दुबई के पैसा से और यहाँ वहाँ का पैसा से सिनेमा बनाते हैं और कुछ भी वाहियात चीज़ दिखलाते रहते हैं। सिनेमा वाला के हिसाब से लोगों का दिमाग चलेगा? गीता मानव जो पैसे पर नाचते हैं, पैसे पर गाते हैं, पैसे पर बोलते हैं, पैसे पर हंसते हैं, पैसे पर रोते हैं, उनके हिसाब से सिद्धांत चलेंगे? गीता प्राणी हर मनुष्य प्राणी के लिए सबके लिए है। वो क्यों ही कह दो कि गीता सिर्फ मानव के लिए नहीं है, पूरे अस्तित्व के लिए, उसमें गीता में पूरे अस्तित्व का सिद्धांत है, अस्तित्व के लिए जो प्राण उसको सभी प्राणियों के लिए है, प्लस जो प्राणी नहीं भी है ना, उसमें पृथ्वी की भी बातें हैं, सूरज ग्रह तारे नक्षत्र सबकी बातें उसमें है, दिन रात सबकी बातें हैं, हर तरह के शक्तियों के विषय में है, उन सबके आपसे क्या अंतर संबंध हैं उनके विषय में है। थोड़ा सा श्लोक समझ में आएगा तो अपने मनुष्य जीवन का समझ में आ जाएगा, हमारा वास्तव में जीवन का है। हाँ, एक श्लोक समझ लो गीता का, तरह जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा कि हमारा जीवन क्या है। अब बड़े उनके वाह, सुरेंद्र जी के सांस में सांस आई। और फिर वहाँ इतने बच्चे थे, मैंने कहा यार बच्चों तुम लोग को जो भी प्रश्न पूछना पूछो। तो कुछ लड़के साहित्य के थे, जयशंकर प्रसाद के कमायनी पर उन लोगों ने कहा, मैंने कहा कमायनी को तुम लोग बहुत बड़ा मानते हो ना, कमायनी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो एक नकल है, समाप्त हो जाएगी कमायनी, तो उपनिषद की नकल है। हम कहें उपनिषद बहुत बड़ी कुल ग्रंथ हुआ, मतलब संस्कृत में लिखल बा। तुम लोग को कमाई नहीं, इसलिए तुम लोग बड़ा लग रहा है क्योंकि तुम लोगों ने उपनिषद पढ़ा नहीं, गीता पढ़ी नहीं, तो तुमको लगेगा ही, क्योंकि यहाँ का जो सरकार की जो नीति है, ये इस नीति में जो है हिंदुओं के शास्त्रों की अवहेलना इसीलिए है, हिंदू धर्म को नष्ट करने की साजिश के तहत। तो हिंदी को ही समाप्त करने पर तुम्हें संस्कृत कहाँ से आएगी?
संस्कृत इतना कठिन चीज, जब अभी तो हिंदी नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को, अब जो पढ़ाई शिक्षा हो गई है कुछ दिनों के बाद हिंदी नहीं समझ में आ रहे तो कहाँ से संस्कृत समझ पाएंगे वो संस्कार। एकदम शिक्षा खत्म होती जा रही है, किसको हम समझाएंगे, ना समझे सब हो जाएंगे। तो वहाँ जब पहुँचेंगे ना बैपुर, तो मानव धर्म वाले से तो होगी क्यों नहीं होगी। अब उनको अपने सिद्धांत और जो सनातन धर्म का सिद्धांत है उसमें उनको अंतर साफ दिखेगा ना जी। जो उधर से आएगा तो हमसे तो यही सुनेगा वो, नहीं तो पहले से उधर से गुजर के उसको जाना पड़ेगा। सनातन धर्म स्वामी जी जे जानत रही जानत नहीं तो उनको खत्म कर ले, इतना धर्म बना दिए। अब उनके पास उसका उत्तर नहीं है, उनके पास मुंह लटकाने के सिवा कोई उत्तर नहीं है। सनातन धर्म को स्वामी विवेकानंद वहाँ उनके यहाँ गए थे ना, जो मैंने बताया ना कि वहाँ बुला के लाए थे, भारी भारी से उठ उठ कर सब भाग गए, खाली वही एक रह गया माधव, बाकी सब भाग गए। सत्य किसी को नहीं टिकने देगा ना स्वामी जी, जो सत्य है सनातन है वो किसी को टिकने, बनावटी को नहीं टिकने देगा, ये तो अचल है। जैसे आप उसको लेकर के चल ही नहीं रहे हैं, लोग क्या है भेड़ चाल में चल रहे हैं। अरे तुम प्रश्न उठाओ ना हर चीज पर, मानव धर्म तुम अपना रहे हो, मानव धर्म अपनाने पहले तुमने प्रश्न उठाया। ये मानव धर्म आप कह रहे हैं तो ये वृक्ष का धर्म क्या है बताइए आप। एक हमारे यहाँ धनुर्धर उपाध्याय हुआ कर निवासी हुआ, उनका बाप दादा वर्षा वर्षा भी जगह जमीन है, सोनरिया के रहने वाले। अच्छा अच्छा, वो PhD किए हैं, संस्कृत के जानकार हैं। एक दिन हम चर्चा चल लगल तो मतलब के है सोनरिया वन में, हम खाली किए अब तो तोके हम भेंट कराव चाहते एक दिन स्वामी जी के, लेकिन चल चला तब ना हम फेरा में ही केहू के लग रहा था बोला ही रहते तक, हम फेरा में लिया के आएंगे एक दिन। हम कहे कि जितना भी प्रश्न करेंगे हम देखा पंडित जी आप निरर्थक बहस करते हो वो बात अलग है, अब तू चलवा तब ना कले हुआ अच्छा चलिया तो हमसे भेंट करिया। एक बेर हमारे गाँव कन्हैया उन्हैया जा लखेश्वर बोर बहुत रामायण वर्ड पाठ करो ले रहा, बहुत पहले आपसे भेंट होगी उन्होंने से, लेकिन वो लगने नहीं देते धर्म के, वो इसे सनातन धर्म को कहते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। तब तो ठीक ही है, तब तो हमारा विचार का विचार तो मिल ही नहीं रहा। लेकिन कुछ उम्मा जो है तो बड़ा ऐसा उल्टा सीधा बतिया दिया, अपने कुल गलती करी है दूसरे के समझाओ लगी है, तो यही में जनातन भर मौका लगा ला। देखिए एक होता है कि किसी बात को कहना, दूसरी चीज है कि उस बात पर जीना। सबसे जरूरी है उस बात पर जीना, अमल होना। यदि मैं कहूँ आप काम करो मैं खुद ही से लेट जाऊंगा तो आप कितने दिन काम करेंगे? बस यही हाँ। यदि मैं कहूँगा कि अहिंसा अहिंसा सबको मारूंगा तो कितना दिन चलेगा? ये नहीं चलता। देखिए आपके कर्म में, आपके विचार में, आपके भाव में, इन सब में सब समानता होनी चाहिए ना, मेल खाना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। आप बोले कुछ करें कुछ हाँ सोचें कुछ इस तरह से तो फिर नहीं होगा ना। जरूरी उसको करना, उस पर ढाल के अपने पाखंड इसी को कहा जाता है, उतारना अपने में उतारना, इससे को पाखंड कहा जाता है। आप एक ही चीज को अगर ग्रहण करते हैं और उसके हिसाब से जी लेते हैं तो वह बहुत बहुत जीवन धन्य हो जाएगा, पार हो जाएगा जीवन। अच्छे से हाँ। आप बोलते हैं 10 चीज जीते हैं, एक भी चीज नहीं, उल्टा जीवन जी रहे हैं। हाँ। उपदेश है साधुओं के, जीवन है राक्षसों वाला। हाँ, खा रहे हैं मांस, पी रहे हैं मदिरा और उसके बाद बोले कि जो है संत वचन बोले सात्विकता की बात करेंगे तो नहीं होगा। आदमी को जी के दिखाना पड़ता है, मात्र वाणी ही प्रभावी नहीं है। वाणी उस वक्त ही प्रभावी होती है जब उसके साथ कर्म और विचार हों, उसका जीवन उसका व्यवहार हो, और व्यवहार अगर आपका दुर्व्यवहार में बदल रहा है तो वह प्रभाव नहीं रखने वाला है। इनके साथ प्रॉब्लम यही होती है अक्सर जो है, जो तथा कथित ब्राह्मण जिसको आप लोग बोल रहे हैं कि ये विपरीत आचरण करते हैं, विपरीत करते हैं। हाँ, इसीलिए ना सब गड़बड़ हो रहा है, विपरीत आचरण करते हैं इसीलिए सब गड़बड़ हो रहा है। ए तो अरे ये तो चमार हटाओ, ऐसे बोलेंगे। अरे फिर तुम क्या बोलते हो? हाँ, सब प्रभु हैं की बात क्यों बोलते हैं फिर जब तुम अभी तुम्हारा दिमाग अभी जाति के स्तर पर टिका हुआ है, अपने लिए भगवान अपना बना लिए।
हाँ, क्या उनके लिए उनका भगवान नहीं बनाया? हाँ, उनको भी बनवाना बनाना चाहिए उनके हाँ, लिए भगवान कि चल ठीक है वो तुम्हारा भगवान है वो हमारा भगवान है। और उसके बाद वो लोग अरे हाँ, इन लोग के साथ जो है उठना बैठना नहीं चाहिए, इन लोग साथ खाना पीना नहीं चाहिए, इन लोग साथ जो है शादी ब्याह नहीं संबंध नहीं रखना चाहिए। तो इसका मतलब आप भेदभाव करते हैं, अन्याय कर रहे हैं। इसका मतलब आप सोचते हैं कि आप कुछ विशेष हैं और वो कुछ हीन है, तो पक्षपात कर रहे हैं आप। फिर समानता की बात कहाँ है? उसको समाएंगे अपने साथ रखेंगे तब ना। वेद तो कहता है समान ही वह आकृति ही समाना हृदयानि वह। वेद कह रहा है समाना हृदयानि वह। हाँ, हमारे हृदय समान हो तो आपके हृदय कहाँ समान हुए? कहाँ समान?